All right, so we have defined yesterday algebraic elements and transcendental elements over a field. And further, if you recall, we considered given any extension. K alpha, which is the subring of F generated by K union alpha. And in fact, its elements are of the form summation AI alpha I finite sum. AI is coming from K for all I, and this is for any n. Natural number, right? So simply it is the set of all such expressions. All right. So I gave you an exercise to prove the equality. So I'm assuming you have done that. All right. So this K alpha, it is a subring of F, right? So clearly, because F is a field, K alpha is a subring. So K alpha is an integral domain. For being a subring of a field. Now, for this integral domain, you can consider its quotient field. You know how to construct a quotient field? Please confirm. Given an integral domain, you know how to construct a field. पढ़ा तो होगा कि अंडरग्रेड में पढ़ के आ रहे होगे, आई एम श्योर. गिवन एन इंटीग्रल डोमेन डी, देयर एग्जिस्ट अ फील्ड डिनोटेड बाय कोशियंट फील्ड ऑफ डी, क्यू टी ऑफ डी, वी कॉल इट कोशियंट फील्ड ऑफ डी, विच इज कंटेन्ड इन, सो विच इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इन द सेंस दैट विच इज कंटेन्ड इन एवरी फील्ड कंटेनिंग डी, विच इज कंटेन्ड इन एंड दिस कंटेनमेंट ऑफ कोर्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म, विच इज कंटेन्ड इन एवरी फील्ड कंटेनिंग डी. तो दैट मीन्स किसी फील्ड के अंदर डी है तो क्यू टी ऑफ डी भी जाएगा उसके अंदर. सो इन दैट सेंस इट इज स्मॉलेस्ट. यू नो दिस और नॉट, टेल मी. ये तो पढ़ा होगा ना? यस, तो अंडरग्रेड का रिजल्ट है. ऐसा हो नहीं सकता किसी ने ना पढ़ा हो. यस, सर जैसे कुछ सिलेबस ना रिमूव कर दिया था कोरोना के कारण, तो फील्ड थ्योरी इतना नहीं पढ़ा हमने। नहीं फील्ड थ्योरी नहीं है ये, तो रिंग्स पढ़ते हैं ना तो वहीं शुरू में ही आ जाता है. सो एनीवे, आई मीन मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, लेकिन टू गेट इट कम्प्लीटली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अंडरग्रेड की क्लास से, ठीक है?
मैं इसको पूरा आई मीन डिटेल में तो नहीं डिस्कस करूंगा. सो व्हाट इज हैपनिंग एंड वन थिंग, दिस प्रोसेस इज एग्जैक्टली पैरेलल लाइक वी कंस्ट्रक्ट रेशनल फील्ड फ्रॉम दिस रिंग ऑफ इंटीजर्स. हमें इसको डी यानी आर्बिटरी इंटीग्रल डोमेन लिया है, राइट? और इसको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ दैट इज एग्जैक्टली पैरेलल जैसे हम क्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं जेड से, राइट? तो व्हाट यू डू, पुट डी नॉट टू बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ डी. देन यू डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन ऑन डी क्रॉस डी नॉट बाय ए डी रिलेटेड टू सी डी. सो टपल है डी क्रॉस डी नॉट में, दैट मीन्स बी एंड डी कमिंग फ्रॉम डी नॉट, सो दे आर नॉन जीरो एलिमेंट्स इन डी. सो दिस इज रिलेटेड इफ ए डी इक्वल्स बी सी, राइट? यू कैन वेरीफाई दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट डी क्रॉस डी नॉट. एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड्स द सेट अंडर कंसिडरेशन इंटू इक्विवेलेंस क्लासेस. सो दिस रिलेशन डिवाइड्स और पार्टीशंस डी क्रॉस डी नॉट इंटू इक्विवेलेंस क्लासेस. द सेम थिंग, अब आई मीन आप इसको जेड पे लोगे तो जेड क्रॉस जेड नॉट पे आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करो, सेम थिंग. सो दैट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इट्स लाइक जैसे जेड पे अगर लोगे तो 1 2 रिलेटेड टू 2 4, राइट? सो इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो डिवाइड जेड क्रॉस जेड नॉट इंटू इक्विवेलेंस क्लासेस. सो बाय राइटिंग 1/2 वी मीन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट. इक्विवेलेंस क्लास मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स, द सबसेट ऑफ डी क्रॉस डी नॉट, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डी क्रॉस डी नॉट विच आर रिलेटेड टू दिस एलिमेंट, राइट? सो दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास. तो इस इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? दिस इज सेम एज 2/4, दिस इज सेम एज 4/8 एंड सो ऑन, ठीक है? सो द सेम थिंग विथ डी क्रॉस डी नॉट. सो दिस डिवाइड्स डी क्रॉस डी नॉट इन टू इक्विवेलेंस क्लासेस. सो लेट्स यूज द कन्वेंशन ए बाय बी. बाय राइटिंग ए बाय बी वी मीन इट डिनोट्स द इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट ए टपल ए कॉमा बी इन डी क्रॉस डी नॉट अंडर द रिलेशन इज दैट फाइन. सो बाय क्यू टी ऑफ डी वी मीन द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस. राइट? एंड देन वी कैन डिफाइन ऑपरेशंस इन क्यू टी ऑफ डी. सो डिफाइन, सो एलिमेंट्स इन क्यू टी ऑफ डी आर द इक्विवेलेंस क्लासेस, राइट? सो आई एम डिफाइन एडिशन. सो एडिशन विल बी ए डी प्लस बी सी बाय बी डी. इट इज अगेन एन इक्विवेलेंस क्लास. रिमेंबर बी इज नॉन जीरो एलिमेंट, डी इज नॉन जीरो एलिमेंट. वी आर वर्किंग इन अ डोमेन, सो बी डी इज अ नॉन जीरो एलिमेंट. सो बी डी विल बी इन डी नॉट. So this is again an equivalence class, and then product
This is AC by BD. So this is also an equivalence class. Of course, I mean, these elements are the equivalence classes, but the definition of this operation depends on this particular representation. The point is, I mean, for an equivalence class, you may have infinitely many representation depending on the number of elements in that class, right? For example, just say 1 by 2 is same as 2 by 4, right? So this class is same as this class is same as this class, and so on. So this is not the only representation for this class. There may be infinitely many representations, but ये जो definition है addition और multiplication की वो depend कर रहा है particular representation पे. So of course there is a need to prove well-definedness, which I am leaving to you to verify. You can verify that these operations are well-defined. And under these two operations, QT of D is a field. You can verify easily. And this QT of D contains an isomorphic copy of D. What is that? The map F from D to QT of D given by F of any element A simply will go to the equivalence class A by 1. So is 1 1 ring home? So that means D isomorphic to image F. Image F is a subring of quotient field of D. जैसे जेड की एक आइसोमॉर्फिक कॉपी रेशनल फील्ड में होती है, राइट? जैसे टू एक इंटीजर है, तो टू को आप रेशनल नंबर में कैसे डिनोट करते हो? टू बाय वन. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. द प्रोसेस इज एग्जैक्टली पैरेलल एज वी आर गेटिंग क्यू फ्रॉम जेड. सो इन जनरल, सो दिस इज द सेम प्रोसेस यू कैन डू फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन. सो द पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी इंटीग्रल डोमेन यू कैन कंस्ट्रक्ट ए फील्ड विच वी कॉल कोशेंट फील्ड ऑफ डी. And that quotient field of D contains an isomorphic copy of D and is the smallest field. Smallest in the sense that if any field contains D, it has to contain quotient field of D. It is smallest in that sense, right? So again, come back to K alpha. It's an integral domain, right? So consider its quotient field. Quotient field of K alpha, we will denote it by this round bracket. Right? तो अब इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? एफ अल्फा बाय जी अल्फा, एफ अल्फा जी अल्फा इन के अल्फा, एंड जी अल्फा इज नॉन जीरो. तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, राइट? एफ अल्फा बाय जी अल्फा. सो ऑल राइट, सो इट्स ए फील्ड. K alpha is a field. And naturally, I mean, so what I want to show, let me recall you again, once again, from where we started so that it will become more clear to you
वी स्टार्टेड विद एक्सटेंशन एफ ओवर के, दैट मीन्स के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ एंड अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ एफ. तो ये अल्फा, अगर मान लो अगर के में है, अल्फा इज एनी एलिमेंट इन एफ, सो अल्फा मे बी इन के. सो अल्फा अगर के में है तो के अल्फा क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? के ही हो जाएगा सर, के अल्फा तो के के ही अल्फा हो तो के ही जाएगा. हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट. सो व्हेन अल्फा इज इन के अल्फा विल बी के. सो अल्फा इज एनी एलिमेंट इन एफ, सो के अल्फा वी कंसीडर द सब रिंग ऑफ एफ जनरेटेड बाय के यूनियन अल्फा. देन वी कंसीडर द कोशियंट फील्ड ऑफ दिस के अल्फा. तो अब ये जो के अल्फा, इट्स अ सब रिंग ऑफ एफ, राइट? एंड एफ इज ए फील्ड कंटेनिंग दिस पॉलिनोमियल रिंग के अल्फा, अल्फा पॉलिनोमियल रिंग इन अल्फा ओवर के. सो एफ इज ए फील्ड विच इज कंटेनिंग दिस रिंग. सो एज आई टोल्ड यू कि जो कोशियंट फील्ड ऑफ डी होता है, ये इट इज द स्मॉलेस्ट फील्ड, स्मॉलेस्ट इन द सेंस दैट कि अगर कोई फील्ड डी को कंटेन करेगा तो वो कोशियंट फील्ड को भी कंटेन करेगा, क्यूटी ऑफ डी को भी कंटेन करेगा. सो एफ इस रिंग को कंटेन कर रहा है तो एफ इस फील्ड को भी कंटेन करेगा. इज दैट फाइन? ठीक है, बिकॉज एफ इज ए फील्ड कंटेनिंग दिस रिंग के अल्फा, के स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा, तो एफ इसके कोशियंट फील्ड को भी कंटेन करेगा. सो ऑल राइट, सो लेट्स से एल बी द सब फील्ड ऑफ एफ जनरेटेड बाय द सेट के यूनियन अल्फा. ये सबसेट है एफ का, के इज कंटेंड इन एफ, अल्फा इज एन एलिमेंट इन एफ, सो दिस यूनियन विल बी ए सबसेट ऑफ एफ. सो कंसीडर द सब फील्ड ऑफ एफ जनरेटेड बाय दिस सेट के यूनियन अल्फा. एंड व्हाट आई वांट टू क्लेम इज दैट दिस सब फील्ड जनरेटेड बाय के यूनियन अल्फा, इट इज प्रिसाइजली के अल्फा, विच इज द कोशियंट फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल रिंग इन अल्फा ओवर के. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शो. सो वन थिंग, के अल्फा तो फील्ड, आई मीन दिस कोशियंट फील्ड, इट्स ए फील्ड यू नो, इट्स अ सब फील्ड ऑफ एफ यू नो. तो इसके अंदर के है क्या? कैन यू आइडेंटिफाई के? इज इट फाइन? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे कोशियंट फील्ड ऑफ डी के अंदर डी तो होता ही है अप टू आइसोमॉर्फिज्म, राइट? जैसे जेड, आई मीन क्यू जेड को कंटेन करता है, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. तो के अल्फा ये जो पॉलिनोमियल रिंग है, ये कोशियंट फील्ड में है और इस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर के है, तो के इज कंटेंड इन एल. और अल्फा, अल्फा इज ऑल्सो सिटिंग इन साइड द कोशियंट फील्ड, सो के यूनियन अल्फा इज द सबसेट ऑफ दिस. एंड इट्स ए फील्ड,
तो एल क्या है? एल इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब फील्ड्स ऑफ एफ कंटेनिंग दिस सेट। ऐसे तो डिफाइन किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, व्हाट वी मीन बाय द सब फील्ड जनरेटेड बाय गिवन सेट। L is the subfield generated by this, so that means L is the intersection of all the subfields of F containing this and this quotient field of this. It is one. It is one field containing this set. तो intersection naturally इसके अंदर आएगा. So we have L will be contained in K alpha. This is by definition of L. Is that fine? Yes, sir. Now look at the converse. So, converse, for the converse, you start with any element in K alpha. एक्स है आपका के अल्फा, विच इज द कोशेंट फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल रिंग अल्फा ओवर के। सो देन एक्स विल बी ऑफ द फॉर्म एफ अल्फा बाय जी अल्फा। अब इट्स अ मैटर वेदर आप इसको इस फॉर्म में लिखो और यू राइट इन द फॉर्म एफ अल्फा डॉट जी अल्फा। इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इट्स अप टू यू। ठीक है, इज दैट फाइन? इट्स अ मैटर ऑफ नोटेशन। यस सर। ओके, सो द पॉइंट इज कि ये एफ अल्फा और जी अल्फा, जी अल्फा तो नॉन जीरो एलिमेंट है, फाइन। सो दिस विल बी कंटेंड इन के अल्फा, दे आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग के अल्फा। एंड के अल्फा, आई मीन व्हाट इज एल? लुक एट एल। एल इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब फील्ड्स ऑफ एफ कंटेनिंग के यूनियन अल्फा। ठीक है, सो द पॉइंट इज अगर कोई फील्ड है आपके पास, सब फील्ड है एफ का, के को भी कंटेन करता है और अल्फा को भी कंटेन करता है, तो एफ अल्फा को भी कंटेन करेगा। इज दैट फाइन? एनी सब फील्ड ऑफ एफ कंटेनिंग के यूनियन अल्फा विल कंटेन के अल्फा। ओ सॉरी, विल कंटेन एफ अल्फा, क्योंकि एफ अल्फा क्या है? सो एफ अल्फा किस टाइप का एलिमेंट है? मे बी ए जीरो ए वन अल्फा सो ऑन समथिंग ए एन अल्फा एन। तो अगर कोई फील्ड है जो के को कंटेन कर रहा है, दैट मींस ये सारी ए आईज को कंटेन कर रहा है। कोई फील्ड है अल्फा को कंटेन कर रहा है, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा एन को भी कंटेन कर रहा है, तो एफ अल्फा को भी कंटेन करेगा। यस सर, ठीक एंड है। सिमिलरली वो जी अल्फा को भी कंटेन करेगा। द सेम आर्ग्यूमेंट इज एप्लीकेबल विद जी अल्फा। और क्योंकि वो फील्ड है और जी अल्फा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जी अल्फा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को भी कंटेन करेगा, तो दोनों के प्रोडक्ट को भी कंटेन करेगा। दोनों के प्रोडक्ट को कंटेन करेगा, दैट मीन दिस एलिमेंट विल बी इन द एवरी सब फील्ड ऑफ एफ कंटेनिंग के यूनियन अल्फा। सो दिस एलिमेंट विल बी इन द इंटरसेक्शन, विल बी इन द इंटरसेक्शन, सो विल बी इन द एल। ठीक है, फिर से लिखता हूं, रुको।
सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू शो दैट एफ अल्फा इंटू जी अल्फा इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बिलोंग्स टू एल. तो एनफ टू शो दैट, क्योंकि एल है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब फील्ड्स ऑफ एफ कंटेनिंग की यूनियन अल्फा. सो एनफ टू शो दैट एफ अल्फा डॉट जी अल्फा इट्स इनवर्स बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू एवरी सब फील्ड ऑफ एफ कंटेनिंग के यूनियन अल्फा. ठीक है, तो सपोज यू हैव अ फील्ड, लेट्स के एफ एल, व्हाट इज एल्स नोटेशन आई कैन यूज, मे बी ई. ऑल राइट, सो लेट्स ई बी एनी सब फील्ड ऑफ एफ कंटेनिंग के यूनियन अल्फा. देन बाय डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड एफ अल्फा जी अल्फा बिलोंग्स टू ई एंड दिस मीन्स एफ अल्फा तो है ही ऑलरेडी, जी अल्फा इनवर्स भी जाएगा उसमें बिकॉज इट्स अ नॉन जीरो एलिमेंट. एंड दिस मीन्स कि इनका प्रोडक्ट भी गया, क्योंकि वो फील्ड है तो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. एंड दिस इज व्हाट एक्स, सो दिस मीन्स कि एक्स एल में आ गया. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, एल विच इज द सब फील्ड ऑफ F generated by K union alpha. This is precisely K round bracket alpha, which is the notation of quotient field of this ring. Is this all right? Is this fine? Yes, sir. So what we have done, we have started with an arbitrary element of F and a subfield of F, and then we construct a field which is sitting in between K and F. क्योंकि ये जो फील्ड है L, ये K को contain करता है, ये K union alpha को contain कर रहा था, K को तो कर ही रहा है, और ये subfield है F का, F के अंदर है, right? So starting from any element in F, we construct a field which is in between K and F. So it is a field obtained by adjoining. I mean, that's how we say obtained which is set to be obtained. By adjoining alpha to K. And the process is called field adjunction. All right, we will study more about this field
बट फॉर अ मोमेंट लेट्स डू अ रिजल्ट, देन विल कम बैक टू दिस फील्ड एंड विल एलाबरेट दिस फील्ड मोर क्लोजली. So this proposition is 7.1.3 from your prescribed textbook. As I told you, we will strictly follow the PM Cohn's book and as per the order, right? So उससे deviate बिल्कुल नहीं करेंगे. All right. So let's E over K be any extension. Extension means field extension, and alpha any element in E. So either, I mean, there are two possibilities. Number one, alpha transcendental element है, that means algebraically independent है K के ऊपर. Algebraically independent है, that means it do not satisfy. It is, I mean, algebraically independent means it is free from any algebraic relation over K. So that means it do not satisfy any non-zero polynomial over K. Or else it is algebraic. These are the only two possibilities. So either alpha is transcendental, over K, and in this case, what is happening? In this case, ये जो K round bracket alpha, it is the same thing. Quotient field of the rings generated by K union alpha, right? This is isomorphic to Kx, where x is indeterminate. Right? और ये जो Kx है, it is the same thing as we defined K alpha. Let me write, then we'll tell you. Or, so this is number one, alpha is transcendental, or else alpha is algebraic. In this case, so ये frequently result, frequently used result है in course में, so you should get it completely here and this should be in your mind at any time while studying this course or while reading this course. So in this case, ये जो quotient field है, it is exactly same as the polynomial ring in alpha over K, right? And if Px is the minimal polynomial of alpha over K, ये समझते हो मिनिमल पॉलिनोमियल? नहीं, ये सब पढ़ा था. यस यस, क्योंकि अलजेब्रिक है, सो अल्फा विल सेटिस्फाई सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल. और अगर लेट्स से कि एफ एक्स अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, देन अल्फा विल सेटिस्फाई एफ एक्स इनटू जी एक्स फॉर एनी पॉलिनोमियल जी एक्स टू, राइट? सो द पॉइंट इज कि ये जो पॉलिनोमियल है, वंस अल्फा इज अलजेब्रिक, देयर will be infinitely many polynomials satisfied by alpha over K, right? So among all such polynomials, you pick one which is of least degree.
दैट इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर के, राइट? सो पी एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर के ऑफ डिग्री एन. तो सपोज ये जो मिनिमल है इसकी डिग्री एन है, देन पी एक्स इज रिड्यूसिबल. सो दैट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज रिड्यूसिबल, दैट्स वन थिंग. ओवर के, सो इरिड्यूसिबिलिटी किस फील्ड के ऊपर है, दैट इज ऑल्सो मेक सेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई मीन यू नो एक्स स्क्वायर प्लस वन इरिड्यूसिबल ओवर द रियल फील्ड, रिड्यूसिबल ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड. सो पी एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर के, एंड ये जो ऊपर जो हम बोल रहे हैं कि ये जो के राउंड ब्रैकेट अल्फा विच इज सेम एज द पॉलिनोमियल रिंग इन अल्फा, ये जो फील्ड है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू के एक्स द कोशिएंट रिंग मॉड आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स. तो अभी ये फील्ड है, राइट? सो इस फील्ड का डिग्री कितना है, एंड ये एक फील्ड है, राइट? इट्स डिग्री, सो वी कैन टॉक अबाउट, एंड दिस फील्ड कंटेन्स के. सो के अल्फा ओवर के, इट्स एन एक्सटेंशन फील्ड, एक्सटेंशन फील्ड है, तो हम वी कैन टॉक अबाउट इट्स डिग्री. तो ये जो डिग्री है, डिग्री इज सेम एज द डिग्री ऑफ पी एक्स एन. मोरोवर, पी इज जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, दिस इज यूनिकली डिटरमिंड. एज द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री सेटिस्फाइड बाय अल्फा. ऑल राइट, सो दिस कंप्लीट्स द स्टेटमेंट. सो वन थिंग, ये के एक्स समझ गए, सेम थिंग, कोशेंट फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स ओवर के, एक्स इज एन इंडिटरमिनेट, इज दैट फाइन? ओके सो के राउंड ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट एक्स, इट इज द कोशियंट फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स ओवर के, एक्स इज एन इंडिटरमिनेट. ऑल राइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. व्हाट अबाउट द सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट? सो व्हेन अल्फा इज अल्जेब्रिक, देन दिस रिंग इज सेम एज इट्स कोशियंट फील्ड, एग्जैक्टली सेम, इक्वालिटी होल्ड्स, दैट्स वन थिंग. एंड नंबर टू, व्हेन पी एक्स इज मिनिमल पॉलिनोमियल, सो द पॉइंट इज यू पिक द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय अल्फा ओवर के. सो द पॉइंट इज देयर आर इन्फिनिटली मैनी लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल एज वेल, इज दैट फाइन और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स यू टेक एक्स स्क्वायर माइनस टू, इट्स लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय, आई मीन रूट टू है आपका आर में,
आर यू कैन कंसिडर एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू, और एक्स स्क्वायर माइनस टू इट्स ए लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल. सेटिस्फाइड बाय रूट टू ओवर क्यू. एक डिग्री का तो हो भी नहीं सकता, राइट? आई मीन रूट टू कैन नॉट सेटिस्फाई डिग्री वन पॉलिनोमियल ओवर क्यू, क्योंकि अगर डिग्री वन पॉलिनोमियल, डिग्री वन पॉलिनोमियल अगर मिल गया तो रूट टू क्यू में चला जाएगा, राइट? और तो डिग्री वन का आपको मिल नहीं सकता, डिग्री टू टू का आपके पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स टू इज द लीस्ट डिग्री, राइट? सो द पॉइंट इज के फॉर एनी रेशनल नंबर, फॉर एनी अल्फा इन क्यू, नॉन जीरो ऑफ कोर्स, जो अल्फा डॉट एक्स स्क्वायर माइनस टू, इट इज ऑल्सो ए लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, इज ऑल्सो ए लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय रूट टू. सो द पॉइंट इज यू मे हैव इन्फिनिटली मैनी लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय द एनी एलिमेंट अल्फा, राइट? तो यू पिक एनी लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल एंड देन मेक इट मोनिक. मेक इट मोनिक मीन्स मोनिक पॉलिनोमियल, समझते हो व्हाट इज दैट? लीडिंग कोएफिशिएंट 90. लीडिंग कोफिशियंट? नो नो नो, लीडिंग कोफिशियंट वन. मोनिक मीन्स लीडिंग कोफिशियंट वन. लीडिंग कोफिशियंट तो हमेशा ही नॉन जीरो होगा, व्हाट्स अ बिग डील? अगर आप कोफिशियंट बोल रहे हो लीडिंग कोफिशियंट, तो वो हमेशा ही नॉन जीरो ही होगा, नहीं तो फिर पॉलिनोमियल जीरो हो गया फिर तो, ठीक है? तो वो लीडिंग कोफिशियंट है, तो आप उसको उसके मल्टीप्लीकेट, पॉलिनोमियल को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, लीडिंग कोफिशियंट के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द मोनिक पॉलिनोमियल, राइट? तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसको आप, यू कैन ऑलवेज रिड्यूस टू अ मोनिक पॉलिनोमियल, इज दैट फाइन? यू हैव एनी मिनिमल पॉलिनोमियल, लीडिंग कॉफिशियंट अगर वन है तो इट्स फाइन, इट्स मोनिक. अगर वन नहीं है, यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ लीडिंग कॉफिशियंट. तो वो जो द पॉइंट इज, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, द पॉलिनोमियल विल स्टिल सेटिस्फाइड बाय रूट टू. रूट टू तो उसका रूट रहेगा ही, किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता. जैसा तो आप जब, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आपका, इफ इट इज नॉट मोनिक, आप उसके लीडिंग कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अप्लाई करोगे, दैट इज स्टिल ए मिनिमल पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय द सेम एलिमेंट, राइट? तो बट देन द एडवांटेज इज कि अब वो मोनिक हो गया. सो वंस यू मेक मोनिक, इट इज वन एंड ओनली वन, इज दैट फाइन? गॉट दिस स्टेटमेंट? यस सर, तो मिनिमल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट वंस यू मेक मोनिक, दिस पी एक्स इज यूनिकली डिटरमिंड एज द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री. वंस यू मेक मोनिक, देर इज वन एंड ओनली वन, ठीक है? तो मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल यूनिकली एग्जिस्ट करता है, वो एक ही मिलेगा आपको, एक से ज्यादा मिल भी नहीं सकता. दैट्स व्हाट वी विल सी इन द प्रूफ. फर्दर यहाँ इसकी डिग्री की बात हो रही है कि इन द फर्स्ट पार्ट हियर वी हैव सीन कि ये जो पॉलिनोमियल रिंग है, ये इट इज एग्जैक्टली सेम एज फील्ड. तो ये जब फील्ड बन गए ये पॉलिनोमियल रिंग, तो वी कैन टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ के अल्फा ओवर के. दिस डिग्री ऑफ के अल्फा ओवर के इज एन, विच इज द डिग्री ऑफ पी एक्स. समवेयर वी हैव रिटन इट इज ऑफ डिग्री
n. N is the degree of px. So that's what the statement is. Statement, is this statement clear to all of you? If you have doubt, ho to poocho. Yes. Okay. So first part iska aaj karenge. Second part will do tomorrow because I will not be able to finish today. So let's assume alpha is transcendental over k. Then, you know, as by definition, as we have seen yesterday, the map lambda from kx to k alpha given by lambda of any element what you want to call fx will go to simply f alpha is 1 1. Because alpha is transcendental, so map आपको 1 1 मिल गया, right? और on to तो obviously है ही. Is that fine? Clearly, this map lambda is onto map. Because you have any polynomial in alpha over f, accordingly you will have a polynomial in x over f, x over k. Right. So this lambda is onto. So that means in this case, what is happening is a ring here. So kx, it is isomorphic to k alpha. तो ये रिंग दोनों आइसोमॉर्फिक है तो पॉइंट इज कि इनका कोशेंट फील्ड भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. राइट, अगर नहीं देख पा रहे हो तो वी कैन कंस्ट्रक्ट एक्सप्लिसिटली द मैप. सो द मैप लैम्डा इंड्यूसेस ए मैप लैम्डा बार. लैम्डा बार कहां से कहां पर है? कोशिएंट फील्ड ऑफ के एक्स, दैट मीन्स के राउंड ब्रैकेट एक्स टू quotient field of k alpha, that means k round bracket alpha. And this, because it is induced by lambda, so it is defined in terms of lambda. So fx mod gx, this will be lambda of fx, lambda of gx. Now note that this gx cannot be zero. बिकॉज इफ यू रिकॉल, ये जो के एक्स कंसिडर करते हैं तो हम एलिमेंट्स कैसे कंसिडर करते हैं यहाँ पे, एफ एक्स मॉट जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉन जीरो. तो जी एक्स नॉन जीरो है, लैम्डा है आपका 1 1, तो लैम्डा जी एक्स विल ऑल्सो बी नॉट जीरो. लैम्डा जी एक्स इज वॉट? जी अल्फा. दिस इज एफ अल्फा, दिस इज जी अल्फा. सो जी अल्फा इज नॉट जीरो, जी अल्फा इज नॉट जीरो, सो इट मेक्स सेंस, इट विल बी इन के राउंड ब्रैकेट अल्फा. Is that fine? ठीक, ओके. तो ऑफ कोर्स वेल डिफाइंडनेस का इश्यू तो आएगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो मैप है वेल डिफाइंड है. मैं आपको छोड़ देता हूँ, आई कैन लीव इट टू यू. सो देन लैम्डा बार इज वेल डिफाइंड. One one onto ring home, that means isomorphism.
That is, so this I'm leaving to you to verify. इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं कुछ लग रहा हो कि आप को कुछ डिफिकल्टी हो। कर लोगे इसको वेल डिफाइंड 1-1 on 2 को? यस ओके, सो आई थिंक आई शुड लीव बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज स्लाइटली लेंथी, सो आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश टुडे। If you have any doubt, you can ask me anything from today's lecture. You can ask me. Otherwise, second point we will start tomorrow. इसमें कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो। एनीथिंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी। यस, ओके, सो इन केस नो डाउट आई एम लीविंग नाउ, विल मीट टुमारो। टुमारो इज सैटरडे राइट, सो विल मीट ऑन मंडे राइट। मंडे विल बी रिजर्व फॉर ट्यूटोरियल्स, बट अभी ट्यूटर इस कोर्स के लिए असाइन नहीं हुआ है, तो आई विल टेक द लेक्चर। वंस ट्यूटर विल बी असाइंड बाय द डिपार्टमेंट, ही विल कंडक्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, टिल देन आई विल टेक द लेक्चर। ओके, सो आई एम लीविंग नाउ। ओके सर।